हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और टेक विजेट्स पे आप सभी का स्वागत है। काफ़ी सारे लीक्स एंड न्यूमर्स के बाद फाइनली मोटोरोला ने लॉन्च कर दिया मोटो G7 सीरीज़ को। फिलहाल दोस्तों मोटो G7 सीरीज लॉन्च हुआ है ब्राज़ील के अंदर, पर बहुत जल्द दोस्तों रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि मोटो G7 सीरीज इंडिया एंड बाकी एशियन कंट्रीज के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों मोटो G7 सीरीज के अंदर चार डिफरेंट स्मार्टफोन लॉन्च हुए, एक है G7 और एक है G7 प्लस और दो लाइटर वेरियंट भी लॉन्च हुए, एक है G7 पावर और एक है G7 प्लस। मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको इन्हीं मोटोरोला के चार स्मार्टफोन जो कि मोटो G7 सीरीज के अंदर अभी रिसेंटली लॉन्च हुए इनके बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल जानकारी देने वाला हूँ, इसके स्पेसिफिकेशन, इनके प्राइसिंग एंड लॉन्च्ड इन इंडिया के बारे में। सो गाइज लेट्स बिगिन। दोस्तों काफ़ी दिनों से मोटोरोला के G7 सीरीज के बारे में काफ़ी सारे लीक्स एंड न्यूमर्स आ रहे थे, बट फाइनली दोस्तों एस्टरडे मोटोरोला लॉन्च कर दिया है मोटो G7 सीरीज को ब्राज़ील में। ये दोस्तों स्मार्टफोन बताया जा रहा है कि बहुत जल्द बाकी एशियन कंट्रीज एंड इंडियन मार्केट में नेक्स्ट मंथ के अंदर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों मोटो G7 सीरीज के अंदर फोर डिफरेंट स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है, एक है G7, G7 पावर, G7 प्ले और एक है G7 प्लस। यहाँ पे दोस्तों G7 पावर एंड G7 प्ले थोड़े से लाइटर वेरिएंट है, पर यहाँ पे G7 एंड G7 प्लस स्लाइटली हायर वेरिएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों जान लेते हैं इन चारों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, उसके बाद हम इन चारों स्मार्टफोन की प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों मोटो G7 प्ले से। मोटो G7 प्ले मोटो G7 सीरीज के अंदर सबसे चीपेस्ट वेरिएंट होने वाला है। हमें मोटो G7 प्ले के अंदर देखने को मिलेगा 5.7 इंचेस की HD प्रोसेसर वाला IPS LCD डिस्प्ले, जहां पे हमें एक वाइड नॉच देखने को मिलेगा और इस फोन की डिजाइन होने वाला है 19:9 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। इस फोन के अंदर हमें मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 632 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो प्रोसेसर हमें Asus के Zenfone Max M2 और Honor 8C के अंदर भी देखने को मिलता है। ये एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है। इसके साथ में हमें मिलेगा 2GB का RAM और 32GB का इंटरनल स्टोरेज। शायद दोस्तों इंडियन मार्केट में Moto G7 Play के अंदर हमें डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलेगा। अगर बात करें कैमरा की तो G7 Play की रियर साइड में हमें देखने को मिलेगा 12MP का सिंगल कैमरा और फ्रंट साइड में हमें मिलेगा 8MP का सेल्फी कैमरा। ये फोन आने वाला है 3000mAh लिथियम-आयन बैटरी के साथ में, जिसको हम चार्ज कर पाएंगे USB टाइप सी पोर्ट के थ्रू। यहाँ पे दोस्तों मोटो G7 सीरीज के अंदर हमें जितने भी स्मार्टफोन्स देखने को मिलेगा, सभी स्मार्टफोन्स के अंदर एंड्रॉइड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा विथ स्टॉक एंड्रॉइड UI। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं मोटो G7 पावर की स्पेसिफिकेशन के तरफ। यहाँ पे दोस्तों हमें मोटो G7 पावर के अंदर मिलता है स्लाइटली बिगर डिस्प्ले, जो कि 6.2 इंचेस की HD प्रोसेसर वाला IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे हमें मोटो G7 प्ले के कंपैरिजन में स्लाइटली स्मॉलर नॉच इस फोन में देखने को मिलेगा। और G7 पावर आने वाले क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 632 प्रोसेसर के साथ में। इस फोन में हमें 3GB RAM प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा विद डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। अगर कैमरा की बात करें तो G7 पावर आने वाले 13MP रियर कैमरा के साथ में और 8MP सेल्फी कैमरा के साथ में। अगर बात करें बैटरी की तो G7 पावर का मेन हाइलाइटिंग पॉइंट होगा इसका बैटरी, जहां पे हमें G7 पावर के अंदर 5000mAh के लिथियम-आयन बैटरी हमें देखने को मिलेगा, जिसको हम चार्ज कर पाएंगे USB टाइप सी पोर्ट के थ्रू और इस फोन में हमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं मोटो G7 की स्पेसिफिकेशन के तरफ। यहां पे दोस्तों G7 के अंदर हमें मिलेगा 6.24 इंचेस की फुल HD प्रोसेसर वाला IPS LCD डिस्प्ले, जहां पे हमें एक वाटर ड्रॉपलाइक नॉच डिजाइन मिलेगा, जिसके वजह से इस फोन में हमें स्लाइटली बिगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा कंपेयर टू मोटो G7 पावर। और इस फोन में हमें मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 632 प्रोसेसर। ये सेम प्रोसेसर हमें दोस्तों मोटो G7 प्ले, G7 पावर एंड G7 के अंदर हमें देखने को मिलेगा। पर यहां पे दोस्तों मोटो G7 आने वाला है 4GB RAM प्लस 64GB स्टोरेज के साथ में और इसमें हमें एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलेगा। अगर कैमरा की बात करें तो G7 की रियर साइड में हमें मिलेगा 12MP प्लस 5MP का डुअल रियर कैमरा और फोन की फ्रंट साइड में हमें मिलेगा एक 8MP का सेल्फी कैमरा। ये फोन दोस्तों आने वाले 3000mAh लिथियम-आयन बैटरी के साथ में, जिसको हम चार्ज कर पाएंगे USB टाइप सी पोर्ट के थ्रू और इस फोन में हमें टर्बो फास्ट चार्जिंग का फीचर भी मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं मोटो G7 प्लस की स्पेसिफिकेशन की तरफ। यहां पे दोस्तों मोटो G7 प्लस में हमें सेम 6.24 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक मोटो G7, और इस फोन में भी हमें एक वाटर ड्रॉपलाइक नॉच डिजाइन मिलेगा। अगर दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो G7 प्लस आने वाले क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की 636 ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ में, जो प्रोसेसर हमें रेडमी नोट 5 प्रो एंड रेडमी नोट 6 प्रो के अंदर भी देखने को मिलता है। और इस प्रोसेसर के साथ में मिलेगा 4GB RAM एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज। अगर कैमरा की बात करें तो G7 प्लस की रियर साइड में हमें मिलेगा 16MP प्लस 5MP का डुअल रियर कैमरा और फोन की फ्रंट साइड में हमें मिलेगा एक 12MP का सेल्फी कैमरा। ये फोन दोस्तों आने वाले 3000mAh लिथियम-आयन बैटरी के साथ में, जिसको हम चार्ज कर पाएंगे USB टाइप सी पोर्ट के थ्रू और इस फोन में हमें टर्बो फास्ट चार्जिंग का फीचर भी मिलेगा। नेक्स्ट अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मोटो G7 सीरीज के अंदर हमें इस बार
साथ जितने भी स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे सभी स्मार्टफोन के अंदर हमें 109 पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा विद स्टॉक अंडर यूआई। बस दोस्तों ये थे डिटेल स्पेसिफिकेशन मोटो जी सेवन सीरीज के चार स्मार्टफोन्स का। अब दोस्तों आते हैं इन चार स्मार्टफोन की प्राइसिंग की तरफ। लिस्ट के हिसाब से दोस्तों बताया जा रहा है कि मोटो जी सेवन सीरीज के अंदर जो सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा वो होगा जी सेवन प्ले। इसका दोस्तों जो लीक प्राइस है इंडियन मार्केट में वो है 11,999 रुपीज और दोस्तों मोटो जी सेवन पावर का जो लीक प्राइस है वो है 14,999 रुपीज। जी सेवन का जो लीक प्राइस है वो है 17,999 रुपीज और दोस्तों जो सबसे हाई वेरियंट यानी कि मोटो जी सेवन प्लस इसका दोस्तों जो लीक प्राइस है इंडियन मार्केट में वो है 19,999 रुपीज। देखिए दोस्तों ये प्राइसिंग एक लीक्ड इन्फॉर्मेशन है, शायद दोस्तों इन स्मार्टफोन्स का कन्फर्म प्राइस इससे थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। अगर लॉन्च डेट की बात करें तो रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि दोस्तों मोटोरोला नेक्स्ट मंथ इन स्मार्टफोन्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। यहाँ पे दोस्तों जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट सामने निकल के आया है वो है 21 मार्च 2019। यहाँ पे दोस्तों आगे अगर मोटो जी सेवन सीरीज के इंडियन प्राइसिंग एंड इंडियन लॉन्च डेट के बारे में आगे अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले ट्राई करूंगा आपको इस चैनल के ऊपर अपडेट करने के लिए। उसके लिए दोस्तों आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बस दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो। मेरे हिसाब से दोस्तों अभी मोटो जी सेवन सीरीज के अंदर जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं वो स्लाइटली ओवर प्राइस्ड है क्योंकि इन स्मार्टफोन के प्राइस के हिसाब से हमें इतना अच्छा स्पेक्स देखने को नहीं मिलता है। अभी बहुत जल्द दोस्तों इंडियन मार्केट में रेडमी नोट 7 आने वाले हैं। अगर आपको रेडमी नोट 7 के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल के ऊपर जो लेटेस्ट वीडियोज है उनको चेकआउट कर सकते हैं। अभी दोस्तों इंडियन मार्केट में रेडमी नोट 7 आने के बाद शायद मोटोरोला अभी शाओमी के साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा क्योंकि रेडमी नोट 7 के अंदर हमें बहुत कमाल का स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है कंपेयर टू प्राइस। देखते हैं दोस्तों मोटोरोला इन स्मार्टफोन का प्राइसिंग इंडियन मार्केट में कितना रखते हैं। ऐसे में दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है मोटो जी सेवन सीरीज के बारे में मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कोई भी मोटो जी सेवन सीरीज के बारे में और या किसी और टॉपिक के बारे में तो आप फ्रीली नीचे कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। लास्ट में दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जय हिंद।